हाय गाइस, जाहुल बाइक केयर में आपका स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। और आई है हमारे पास सुजुकी एक्सेस, इसके ऊपर आज वीडियो बनेगी। इसमें क्या है, चलते चलते स्कूटी ये बंद हो गई। कस्टमर का कहना था कि इसमें आवाज़ आई थी इंजन में और बंद हो गई। हमने सबसे पहले इसका क्लच खोला हमने इसका, इससे हमें पता लग जाएगा कि हमारा इंजन जाम हुआ है या क्लच जाम हुआ है। एकदम इंजन मत खोलो, पहले पक्का पता करो प्रॉब्लम किस चीज़ में है। देखो गाइस, हमारी क्लच की पुली है, पुली घुमा के दिखाओ, क्लच की पुली पीछे वाली। हाँ ये देखो, पीछे से हमारा बिल्कुल ओके है, आगे से घुमाओ। ये हमारी क्रैंक है, ये देखो घूम नहीं रही, बहुत मुश्किल से घूम रही है। इसका पिस्टन जाम हो गया, बस इसका जो पिस्टन है वो सीज हो गया है। और अब हम इसे खोलते हैं और दिखाते हैं, करते हैं इसका इंजन वर्क। तो गाइस अब हम इसका फटाफट से उतारने जा रहे हैं इंजन। इसे फाउंडेशन खोल लिया हमने, ये देखो कुछ इस तरह से होता है इसका इंजन। उतारो इंजन, उतारो इसका इंजन। उतारते समय विशेष ध्यान दें इसके वायरिंग का। फाइनली गाइस, हमारा इंजन नीचे उतर चुका है, कुछ इस तरह से होता है पूरा इंजन। देखो सुजुकी एक्सेस न्यू मॉडल का, ये देखो गाइस फुल इंजन। अब इंजन को कैसे खोलें, देखो पूरी वीडियो बिना स्किप करे हुए देखें। सबसे पहले हम इसका टॉप कवर खोलेंगे। टॉप कवर के 10 नंबर के जो बोल्ट हैं आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये देखो क्या हालत है इंजन की गाइस। ये हमारी सेल्फ की गरारी है, इसे बोलते हैं वेंडेक्स। और ये भी खराब है, ये देखो स्प्रिंग इसकी ये टूट गई है। हाय गोल्डी, ये महराज आज रमजान से है, बहुत अच्छा लड़का, बहुत मेहनत करते हैं लड़के, दोनों बहुत मेहनत करते हैं। आरिफ आज हाथ दे करके कहीं गया हुआ। देखो भाई, लेवर को खुश रखोगे तो लेवर हमें खुश रखेगा। ये लेवर नहीं है, ये मेरे भाई हैं, भाई लोग हैं ये मेरे। तो गाइस हमने इसका हेड उतारा है, अब हम उसका इंजन सिलेंडर बाहर निकालते हैं। सिलेंडर बाहर निकालो। ओहो क्या हालत है गाइस, देखो पिस्टन की क्या हालत है, आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। ये देखो कितनी बुरी तरह इसका पिस्टन सीज हुआ है, इसमें इंजन ऑयल भी नहीं निकला एक बूंद। ये देखो सही से दिखाते हैं, ये देखो किस तरह से सीज हुई है, गाड़ी चलते चलते बंद हुई है। वो तो सही है, एक्सीडेंट नहीं हुआ इसका, पिस्टन किस तरह सीज हुआ है इसका। चलो अब फटाफट इसका हम पिस्टन लेते हैं और खराब पे करते हैं, फिर इसको करते हैं फिटिंग। बहुत ही खराब कंडीशन पिस्टन की है। हेलो भाई गाइस, जैसे कि हमारा ये नया पिस्टन है, ये इसमें फेस होएगा इसके अंदर से, तो दिखा दे कैसे होएगा, खैरात वाला कैसे करता है इसको। फाइनली गाइस हम इमरान इंजीनियर पे आ चुके हैं, और ये देखिए कुछ टूल्स हैं हमारे। इस तरह से वो पॉलिश होती है, फाइनली हमारे हेड सिलेंडर खैरात से हो गए आ चुके हैं। ये देखिए क्या बढ़िया बोर करवा दिया। अब देखो अभी इसके अंदर आसानी से जा सकता है।
ये हेड है। अब हम करते हैं इसको फिटिंग। ये देखो अब हम इसमें फिटिंग कर रहे हैं। करो फिटिंग करो। फाइनली गाइस हमारा सिलेंडर बैठ चुका है। गाइस फाइनली हमारा इंजन पैक हो चुका है, ये देखो। और अब हम इसको करते हैं इस स्कूटी में फिटिंग। फिर मिलते हैं आपसे। गाइस फाइनली स्कूटी हमारी स्टार्ट हो गई है। बहुत ही बढ़िया आवाज एकदम। गाड़ी को वॉश करवा दें, कंप्लीट कर दें। गाइस फाइनली हमारी स्कूटी बिल्कुल रेडी हो गई है, बिल्कुल नहीं हो गई है। और स्कूटी भैया आते हैं और उनसे टेस्ट ड्राइव करवाते हैं, देखते हैं क्या फीडबैक मिलता है। वो बहुत घबराए हुए थे कि पता नहीं मेरी गाड़ी पहले जैसी हो पाएगी या नहीं, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट बार इंजन करवाया किसी भी बाइक का। अब ये फर्स्ट बाइक है इनकी, फर्स्ट स्कूटी पहली। भाई ड्राइव पे गए हुए हैं, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। हेलो भैया, ड्राइव करिए आप। हाँ भाई, कोई दिक्कत गाड़ी में? कोई दिक्कत भाई, मेरी गाड़ी चलते चलते बंद हो गई थी। अच्छा, बताओ। हाँ, आप बहुत घबरा थे कि पता नहीं पहले जैसे साउंड हो पाएगा या नहीं। आप कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, बस अभी भगाना मत। अच्छी हो गई। ओके ठीक है भाई।